की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतिहास के बारे में। आज हमारे इतिहास में क्या हुआ है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है, आज हमारे इतिहास का कौन सा दिवस है और आज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटना है जो आज के दिन घटित हुई थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं और आपको पहले बताते हैं हम आज कौन सा दिवस है। आज कजरी तीज है। कजरी तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे हम हरी तालिका तीज के नाम से भी जानते हैं। कजरी तीज में कई प्रकार के खेल और गान का आयोजन किया जाता है। शिव पार्वती जी की पूजा भी की जाती है। आज डेंगू निरोधक दिवस है, डेंगू प्रिवेंशन डे। आज के दिन डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आज किस महान पुरुष का जन्मदिन है। आज विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 19 सितंबर 1936 को हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। आज वीवी गिरी जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1894 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 23 जून 1980 को हुई थी। वरहार गिरी, वेंकट गिरी या वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आज प्रेम अदीब जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1916 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1959 को हुई थी। प्रेम अदीब भारत के एक फिल्म अभिनेता थे। आज आरागोन के जेम्स द्वितीय का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1267 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 5 नवंबर 1327 को हुई थी। यह आरागोन के राजा थे। आज बोहेमिया के जॉन का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1196 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 26 अगस्त 1346 को हुई थी। जॉन बोहेमिया के राजा थे। आज फूलन देवी जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 25 जुलाई 2001 को हुई थी। फूलन देवी डकैत से सांसद बनी थी और भारत की एक राजनेता थी। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन किस महान पुरुष की मृत्यु थी। आज हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। आज श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 16 सितंबर 1893 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 10 अगस्त 1977 को हुई थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार और समाजसेवी एवं अध्यापक थे। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। 1962 आज के दिन अमेजिंग फैंटेसी की कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन दिखाई दिए थे। 1759 आज के दिन कार्लोस थर्ड स्पेन के सम्राट बने थे। 1787 तुर्किश को रशिया से आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इतिहास। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।